हेलो गाइस, रेलवे ग्रुप डी की और एएलपी की जो हम सीरीज चला रहे हैं आपकी, उसमें आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पहले भी मैथमेटिक्स पे लेक्चर क्लासेस बना चुके हैं, अब अगर आप चाहते हैं हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी, आपको किसी टॉपिक पे डाउट है और उस पर भी अलग से इसके लिए वीडियो बनाए, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अभी हम रेगुलर बेसिस पर जिस तरह के पैटर्न के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस में आते हैं कि ऐसा एक आ गया फिर ऐसा, उस पर हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं अभी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ये बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, ए का वेतन बी के वेतन से ठीक है कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो बी का अगर मैंने 100 लिया यहाँ पर, देखो यहाँ कोई अमाउंट तो दिया नहीं है, मन से अज्यूम कर सकते, इसका मैंने माना 100, तो ये कितना हो जाएगा 25% अधिक। हम गलती कहाँ करते हैं, अभी आपसे पूछा है, ये तो इसके रिस्पेक्ट में निकला, यहाँ पर +25% हुआ, लेकिन जब आप बोलते हो 125 से जो इसका है, मान लो मैंने ये बोल दिया 125 रुपये, ये कितना था 100 रुपये, तो आप गलती कहाँ पर करते हैं, आप ये बता देते हैं कि 125 के हिसाब से 100 में भी क्या बोल देते हो 25% कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, जिस संख्या को ले रहे, 100 के रिस्पेक्ट में 25% 25 होता है, इसलिए आपका क्या जुड़ा है यहाँ पर 25, तो 125 हो गया। लेकिन जब आप बात करोगे 125 के रिस्पेक्ट में ये कितना कम है, देखो डिफरेंस में अगर देखें तो कितना कम आ रहा है 25, लेकिन प्रतिशत में 25 होगा क्या, अच्छा 125 के हिसाब से 25% 25% होता है क्या, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 25 डिफरेंस कितना था इन दोनों के बीच में, 25 ही रहेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप 125, और क्या निकाल रहे हो प्रतिशत, तो 100 का गुणा और कर दो, अब ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, हाँ हो गया, 25 से कैंसिल किया नीचे आ गया 5, और इसे कैंसिल किया कितना आया 20%। तो जब बात होगी ए के रिस्पेक्ट में कितना कम है, तो आपका आंसर होगा 20%। और आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला भी यहां पर प्रोवाइड करा दे रहा हूं, आर अपॉन 100 प्लस आर, जब पूछा क्या जाए आपसे कितने प्रतिशत कम है, और जब पूछा जाए कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब आपको क्या दिया हो यहाँ पर, क्या पूछा था कितने प्रतिशत कम है और दिया क्या था कितने प्रतिशत अधिक है, 100 में आप 25 जोड़ते तो कितना होता है 125, 25 ऊपर आ जाता 25 ऊपर है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता आपका 100%। लेकिन अगर यहाँ पर दिया होता इतने प्रतिशत कम है, तो यह बताओ कितने प्रतिशत अधिक होगी, और जब अधिक वाला पूछा जाता है तो नीचे आप कर देते हो सिर्फ माइनस, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको फंडा बताया, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको फॉर्मूले की कोई नीड नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, हम बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 9 की पावर 4 - 9 की पावर 2, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है जो कैलकुलेशन बेस्ड आएंगे, और 90% लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं वो हमें देखना है। वो लोग क्यों सोचते हैं कि 9 की पावर 4 - 9 की पावर 2 गया तो आपको यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप आंसर लिख देते हो 81, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पर जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आपको इसे सॉल्व कैसे करना है भाई, यहाँ पर कुछ मत करो, 9 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 * 9 की पावर 2, और -9 की पावर 2, तो यहाँ 9 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा आपका 81 * 80 का 1 में करोगे तो 0, 8 आपका क्या गया कैरी गया, 80 का 8 में करोगे 640 + 8 6480, तो आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। बस गलती हमको क्या नहीं करनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आप लोग 9 की पावर 4 - 9 की पावर 2 घटाते तो आपको क्या लगता है बचेगा कितना, 9 की पावर 2, जो कि बिल्कुल गलत है, इसमें से कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पावर आपस में कैंसिल हो जाती है वैल्यू से वैल्यू, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 24,250 रुपये के मूलधन पर 9 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज, या 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, जो कुल साधारण ब्याज है वो 162% है, तो यह ब्याज प्रतिवर्ष कितना रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको मूलधन दिया है ठीक है 24,250 रुपये,
चलो दिया भाई मेरे को मूलधन, उसके बाद आपको क्या दिया, टोटल ब्याज भाई, ये आपको क्या दिया हुआ, मतलब आपको दिया क्या है, आर इंटू टी, आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपको क्या दिया हुआ है, टोटल कितने वर्षों का, 9 वर्षों का, कितना दिया है। देखिए जब भी ब्याज होता है ना, ब्याज कैसा था, एक साल का मान लो कुछ भी रहा हो, जैसे 10% एक साल में, तो 10 साल में कितना होगा, आप बोलोगे 100%। वो कैसे आया, आपने जो वर्ष थे उनका गुणा किसमें किया, ब्याज में, तो उतने सालों का निकल आया। तो अभी आपका कितने सालों का दिया है, ये 9 सालों का, तो आपने क्या किया यहाँ पर, प्रतिशत दर तो थी उसमें वर्ष का गुणा करेंगे तभी तो 162% बनेगा ये। अब यहाँ पर आर कितने वर्षों का भाई, 9, आर बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 162% बाय 9, 18% पर ईयर, इसका उत्तर क्या है, 18% प्रति वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, आपको पीआरटी अपॉन 100 यूज करना है, सिर्फ ये जो मैंने लिखा है रिलेशन यही यूज करना है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है 6409। देखो इसके लिए तो मैं क्लास अलग से दे चुका हूँ, आप जो मेरा सबसे पहला वीडियो है वर्गमूल का वो अगर देखे तो आपको ये और डिटेल में समझ में आएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पर लास्ट के 2 अंकों का क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, सेक्शन बी लिख देते हैं, और स्टार्टिंग के अंकों का क्या लिख देते हैं, सेक्शन ए लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट को हमेशा अलग कर लो, बची हुई को अलग कर लो। अब क्या देखो, आखिरी में इकाई अंक को ही देखते हैं हम, यूनिट डिजिट क्या थी, 9। आप देखो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में किसकी यूनिट डिजिट में आपका 9 आता है। तो हम अगर देखें ऐसा, तो ऐसा किसमें है, एक तो 3 के में आता है और एक किसमें आ रहा है आपका, 7 के में आ रहा है। तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा या तो जो यूनिट डिजिट होगी आपके आंसर की, मतलब इकाई अंक होगा, वो 3 होगा या 7 होगा। अब चलते हैं हमारे बचे हुए अंक पे, जो कि कितना है, 640। अब 640 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, अगर हम देखें 640, तो आपका 640 से लेस स्क्वायर कौन सा होता है, वही हो जाएगा आपके प्रथम जो अंक होंगे उत्तर के, वो हो जाएंगे। 640 से नीचे किसका स्क्वायर आता है, 625 है, जो कि किसका होता है, 25 का स्क्वायर। 625 में किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया, 25, यहाँ पर क्या हो गया, 25, 25 तो हो गया आपका कंफर्म। अब आपको क्या कंफर्म करना बाकी, यहाँ पर 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा आखिरी में। 25 तो कंफर्म हो गया हमने, 640 जो बचा हुआ अंक था 2 डिजिट को छोड़ के, उससे नीचे कितना परफेक्ट स्क्वायर आता वो लिख लिया, 25 का आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगली स्टेप जो है इसमें क्या होगी। अब 25 का गुणा आप किसमें करो, जो पहले ये कंफर्म होता है ना, जो ये सेक्शन ये आ गया इसका 1 डिजिट ऊपर, मतलब किसमें कर दो आप, 26 में, तो आपका कितना आया, 650, कितना आया, 650। अगर 650 ये जो मैंने 1 डिजिट ऊपर गुणा करा है, ये जो आपका आया है ये सेक्शन ए से क्या है, बड़ा है, तो आप छोटी डिजिट लोगे। अगर आपका सेक्शन ए बड़ा हो गया इससे, तो आप कौन सी लोगे, बड़े डिजिट लोगे। मतलब कहने का है, अगर सेक्शन ए बड़ा हो जाएगा तो बड़े डिजिट, सेक्शन ए छोटा हो जाएगा तो छोटे डिजिट। देखते हैं क्या करने को, मैं आपको बोल रहा हूं, 650 आया, ये सेक्शन ए से क्या है, बड़ा, क्योंकि सेक्शन ए 640 था, ये वैल्यू बड़ी आ गई, मतलब सेक्शन ए क्या हो गया, छोटा, तो आप क्या ले लोगे यहाँ पर, छोटे डिजिट। तो आपका आंसर कितना होगा, 253। और डिटेल में प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वर्गमूल के लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। जो ये हम लेक्चर्स बना रहे हैं इसमें हमने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, पिछले प्रीवियस आरआरबी के जितने भी पेपर्स हुए हैं और अभी जो नया पैटर्न आरआरबी का चल रहा है उसको लेकर, तो हम उस पर आधारित आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन चल रहा, सेट मान लो आप इसको भी एक तरीके से, प्रैक्टिस सेट। चलिए ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार निर्माता कंपनी 8 दिनों में 96 दर्जन, मतलब 96 दर्जन कार का निर्माण करती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, तो यह बताइए वो 17 दिनों में कितनी कार मैन्युफैक्चर करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत करो, आप 1 दिन का निकाल लोगे और फिर उसमें 17 दिन का गुणा कर दोगे तो 17 दिन के लिए निकल आएगी, लेकिन आपको कितने दिन का दिया है, 8 दिन का। तो आप पहले लिखो 8 डेज में कितनी बना रही भाई, वो आपकी 96, तो 1 डे के लिए क्या हो जाएगा, 96/8। अब जब ये 1 डे के लिए निकल आया, इसमें मैं 17 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितने डेज के लिए निकल आएगा, ये 17 डेज के लिए, तो यहां पर ही क्या कर दूं मैं, 17 का मल्टीप्लाई,
समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 204, जो आपका आंसर है वो कितना है 204 कार बना लेंगे 17 दिनों में आपका दर्जन में, आपका ये किसमें आया दर्जन में, 204 दर्जन आपकी कारें बन जाएंगी। ठीक है, चले देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं, अभी तो आपको दर्जन में पूछा है, एक चीज और हो सकती थी आपको कंफ्यूज कर देता वो, आप 204 निकाल के बैठ जाते, लेकिन आपसे पूछता कितनी कारें बनेंगी, तब आपको क्या करना पड़ता है यहां पर, ये तो क्या हो गया 17 डेज की निकल आई थी, लेकिन जब कारों की बात आएगी तो 204 नंबर क्वांटिटी में, तो एक दर्जन में कितनी कारें होती 12, तो 12 का भी गुणा करना पड़ता आपको, है ना, तो यहां पर कितना आ जाता आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कैरी कितना हुआ 4, तो 4 का 4 ही हो गया यहाँ पर, फिर से 0 का मल्टीप्लाई का 4 है, फिर कितना आ गया आपका 24, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है ऐसे में 2448 कारें, जब क्वेश्चन ऐसा पूछा था, तो आपको हमेशा अपने माइंड में हर एक चीज क्लियर रखनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गिरीश डेली 7 ग्राहक की कॉल रिसीव करता है, ही माइट बी पॉसिबल कि वो एक कॉल सेंटर में कुछ भी हो, लेकिन आपको दिया है वो कितने कितनी कॉल रिसीव करता है पर डे 7, तो 60 दिन के अंतराल में वो कितनी कॉल स्वीकार करेगा। तो देखो ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, 60 दिन, एक दिन में कितनी कॉल 7, 60 दिन में कितनी होगी, तो सभी कर लेते आप लोग, है ना, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता था, क्योंकि अब जब आपको एक दिन की यूनिट पता, हमेशा याद रखना जब 60 70 कुछ भी दिया हो, मैंने इससे पहले भी एक दिन वाला क्वेश्चन कराया इसलिए इसको करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक दिन की यूनिट पता चल गई ना, तो फिर आप उसमें गुणा करो कितने दिन की भी निकल आती, एक दिन में वो कितनी कॉल रिसीव करता था 7, 60 दिन में 420। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन से रिलेटेड हुए, देखते हैं हमारा क्वेश्चन में इसमें हमें क्या करना है। एक वस्तु को बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 5% हानि पर बेचता है, यदि सी उसी वस्तु के लिए 23.94 रुपए अदा करता है, 23.94 रुपए अदा 23.94 रुपए अदा करता है, तो यह बताइए ए के लिए वस्तु की लागत क्या थी। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले ए, ए को पड़ी होगी मान लो 100% पे, हम प्रतिशत में बात करें तो ए के लिए तो सीपी क्या रहा होगा 100%, फिर ए ने उसे कितने पे बेचा 105% पे, तो अभी कितना हो गया वो 105 किस पे आ गई बी पे, बी के लिए क्या पड़ी वो अब जो इसका सीपी, अब बी के लिए कितना हो गया ये बढ़कर 105, बी ने इसी प्राइस से कितना कम बेचा है भाई 5%, कितना कम 5%, तो देख लेते हैं अब हमें क्या देखना है 105 का, अब क्या किया यहाँ पर देखो उसने यहाँ तो 5% प्रॉफिट पे बेचा था तो 105 हो गया था, अब 105 का ये जो 105 है इसका कितना कम माइनस 5%, तो भाई 105 का 5% कितना होगा ये हमको निकालना है फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, हमारा 10% कितना होता है 105 का बताओ, 10 का भाग कर देंगे 10.5 का आप हाफ कर दो, 10% अगर आप निकाल लेते उसका जस्ट हाफ कर दो तो क्या आता है 5%, ऐसे ही 10% अगर 105 का देखोगे तो कितना आएगा 10.5, उसका जस्ट हाफ कितना हो गया 5.25, तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू के तौर पे कितना कम हुआ 5.25, तो अब जैसे ही 5.25 करा आपने माइनस, करना कितना था 5%, किसका कितना हुआ वो 5% 5.25 एज अ वैल्यू, जैसे ही आपने इससे माइनस किया तो कितना बचा 99.75% ऑफ कौन एक्स, और बराबर में कितना दिया यही गिवन है आपको कि इसे कितने में पड़ी, कितने में पड़ी थी 23.94 में, अब कुछ मत करो एक्स को से ट्रांसफर कर दोगे 23.9975 और ऊपर क्या हो गया आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था, ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो गया 100 का, अगर मैं यहाँ पर एक प्लस करूँ तो कितना होता है 400 को ऊपर 6 बार करते तो किस में ज़्यादा 2400 में, लेकिन ऊपर कितना कम है 6 कम और नीचे कितना कम है 1 कम, मतलब 399 का आप करोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा 6 बार, 6×4=24 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका बेस प्राइस है वो आपका कितना है 24 रुपीज, वो कैसे आया 399 था आपने उसे कितना मान लिया 400, ऊपर डिवाइड करके देखा एडिशनल कितना लिया था 1, 6 बार में एडिशनल कितना होगा 6 और ऊपर क्या आता 6 बार भाग करने पे 2400, तो कितना कम उससे 6, आपको नीचे से 6 ही तो कम चाहिए था, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6×4=24,
चलिए अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम किस टॉपिक पे बनाएंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.